तो वेलकम एवरीवन, माय नेम नीरज एंड यू आर वाचिंग नीर रिव्यू पॉइंट। तो ये नेचर का दस्तूर चलता है कि जो चीज़ चलती आ रही है वो एक ना एक दिन ख़त्म जरूर होगी, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, एक टाइम लिमिट के बाद वो चीज़ ख़त्म हो ही जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने कुछ ऐसे टॉप 10 शोज़ के बारे में जो कि हमारे कुछ काफ़ी फेवरेट शोज़ होंगे आप में से काफ़ी लोगों के, जो कि 2021 में ख़त्म होने वाले हैं। अगर आप मेरे से इनमें से कोई शो नहीं देखा अभी तक तो आप इन शोज़ को जाके देख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे शोज़ बहुत अच्छे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। अब हम क्या करें, मुझे नहीं पता क्या करूं, मेरी तो फटी पड़ी है। तुम ठीक हो? एकदम मस्त। मैं दिखाई नहीं देता, हम यहाँ कुछ काम कर रहे हैं? आंखें खराब है क्या तुम्हारी? लोग तो यहाँ ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे उन्हें दोबारा कहीं डांस करने का मौका ही नहीं मिलने वाला, जैसे इसके बाद मरने वाले। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉपुलर शो के साथ जिसका नाम है लूसीफर। अभी लूसीफर का सुनने में जे आ रहा है कि लूसीफर के टोटल 5 सीजन तो रिलीज हो चुके हैं और दूसरी ओर जो 5th सीजन का जो सेकंड हाफ था वो कोविड के चलते एक तरह से डिले हो चुका था, और दूसरी ओर अभी सुनने में जे भी आ रहा है कि जो 6th सीजन होगा वो उसके एक तरह से आफ्टर डैट रिलीज कर दिया जाएगा। अब जे सुनने में भी आ रहा है कि वो 6th सीजन इसका फाइनल होगा, और जहां तक मुझे भी लगता है कि 6th सीजन फाइनली होगा। लेकिन लूसीफर काफ़ी पॉपुलर शो है, बाकी इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन 80-90% रूमर्स यही हैं कि लूसीफर का एक तरह से सीज़न ख़त्म होना, कैंसिल होना कन्फर्म है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा लूसीफर तो आप जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा शो है ये। नेक्स्ट में लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है लॉस्ट इन स्पेस। लॉस्ट इन स्पेस एक तरह से बहुत ही पॉपुलर शो है नेटफ्लिक्स का, और दूसरे जो शो इजिली हिंदी में अवेलेबल है, और जो शो 1960 में सेट किया गया था, एक तरह से साइंस फिक्शन एडवेंचर सीरीज थी जी, और ऑलमोस्ट फुल ऑन कन्फर्म है कि इसका जो थर्ड सीजन फाइनल सीजन अभी आएगा 2021 में, उसके बाद ये शो ओवर हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि लॉस्ट इन स्पेस काफ़ी अच्छा शो था और इसमें जो थिंग्स थी वो भी काफ़ी ऑसम थी। अगर आपने अभी तक इस शो को नहीं देखा तो आप इस शो को जाके देख सकते हो, लॉस्ट इन स्पेस को। यहाँ ये हो क्या रहा है? बाकी सब कहाँ गए? चले गए। जानते हो क्यों? मॉन्स्टर। यहाँ ऐसे और कितने हैं? शो आने वाला है, उस शो के सुन के काफी सारे जो वैम्पायर्स और सुपरनेचुरल पावर्स के जो फैंस हैं शोज के, उनको थोड़ा बुरा लगेगा। और शो का नाम है वेल हेल्सिंग, और ये साईफाई का शो था जिसका आपको 5th सीजन लास्ट सीजन 2020 में ही देखने के लिए मिल जाता, लेकिन दूसरी ओर कोविड और पैंडेमिक के चलते इसको 2021 में मूव ऑन कर दिया गया। अब जहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि 2021 में इसका 5th और फाइनल सीजन रिलीज कर दिया जाएगा, और बनता भी है, क्योंकि 4th सीजन की जिस तरह से एंडिंग हुई थी उस तरह से 5th सीजन का एंड होना बनता ही है यहाँ पर। और दूसरी ओर जो फेमस वैम्पायर हंटर का शो है, मतलब बहुत ही अच्छा शो है, अगर अभी तक किसी ने नहीं देखे इसके 4 सीजन तो जाके देख सकता है, बहुत ही अच्छा शो है ये। शो आने वाला है, उस शो का नाम है ओजार्क। अब बहुत ही बुरी खबर है कि ओजार्क शो खत्म हो रहा है। एक्चुअली बार जे भी सही है, जो चीज़ शुरू हुई है वो एक बार ख़त्म होने भी बनती है। और दूसरी ओर ओजार्क शो की बात करें तो इसके फाइनल 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं, और इसका जो 4th सीजन रिलीज होगा वो 2021 में रिलीज होगा, जिसको 2 पार्ट्स में सप्लिट कर दिया गया है, जिसका पार्ट 1 2021 में ही रिलीज कर दिया जाएगा और पार्ट 2 2021 के स्टार्टिंग या फिर मिड में रिलीज कर दिया जाएगा। और ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये ओजार्क सीजन अभी ख़त्म होने वाला है 2021 में। अगर किसी ने अभी तक स्टार्टिंग में इसके 3 सीजन नहीं देखे तो वो जाके देख सकता, कहीं ऐसा ना हो कि अब 4th सीजन रिलीज हो जाए आपने 1st सीजन 3 देखे ही ना हो। And you're asking me not to tell your wife. In a nutshell. I'm not your fucking marriage counselor. Few people get my clients' attention the way you have. में शो आने वाला है, उस शो का नाम है ऑन माय ब्लॉक। ऑन माय ब्लॉक मेरा खुद का फेवरेट शो है, और जो फाइनली ये भी शो ओवर होने वाला है, जिसके आपको टोटल हमें 3 सीजन देखने के लिए मिले थे, और जहां पर 4th सीजन का ये रूमर्स आ रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर जब 3rd सीजन रिलीज किया गया था 2020 के आसपास, जहां पर हमें दूसरी ओर ये देखने के लिए मिला था कि 4th सीजन भी उसके आसपास ही रिलीज हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन के कारण सीजन को मूव ऑन करके 21 में डाल दिया गया। लेकिन फिर से कुछ टाइम के बाद हमें ये पता लगता है कि इस सीजन को थोड़ा और आगे के लिए मूव ऑन कर दिया गया है, आगे कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसके क्लियर रूमर्स नहीं आए कि यहां पर सीजन को 4th को 2021 में रिलीज किया जाएगा या फिर 2020 के स्टार्टिंग में रिलीज किया जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट 1000% कन्फर्म है कि ऑन माई ब्लॉक 4th सीजन के बाद खत्म होने वाला है। बहुत ही बिंज वॉच सीरीज थी से, तो फाइनली ये भी खत्म होने वाली है। तो देखो नेक्स्ट नेटफ्लिक्स हमारे लिए ऐसी सीरीज कौन सी लेकर आता है।
हमारे लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है द इरेगुलर्स। इस शो को भी हाल ही 2021 में रिलीज किया गया था मार्च में, और इसके रिलीज होते ही दो महीने के बाद इसकी व्यूअरशिप भी काफ़ी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि व्यूअरशिप बहुत बेकार आई या फिर ऐसा इसको किसी ने स्ट्रीम नहीं किया, शो को अच्छा खासा स्ट्रीम भी किया, सुपर नेचुरल पावर्स वाला टच था, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट थी शो में। लेकिन उसके रिलीज होने के दो महीने के बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि इरेगुलर्स का सेकंड सीजन कैंसिल कर दिया गया। ऑलमोस्ट 99% यही है कि द इरेगुलर्स जो नेटफ्लिक्स का सीजन है उसका सीजन टू कैंसिल कर दिया गया, जो कि एक सुपर नेचुरल इन्वेस्टिगेशन से भरा हुआ शो था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो बिंज वॉच शो था, जिसे देखने के बाद थोड़ा टाइम आप शो में बने भी रहते। अब ये नहीं पता क्यों कैंसिल किया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म ये है कि द इरेगुलर्स का सेकंड सीजन कैंसिल कर दिया गया है। ये वही डॉक्टर है ना? जॉन वॉटसन। वो हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही हैं यहाँ। 221 बी बेकर स्ट्रीट, शर्लॉक होम्स। क्या हुआ उनके साथ? शो आने वाला है वो एक तरह से डार्क कॉमेडी सीरीज थी, और शो का नाम था डेड टू मी, जिसके हमें एक्चुअली दो सीजन देखने के लिए मिल चुके थे। और दूसरी अगर हम शो की बात करते, शो में आपको जैन एंड जोड़ी नाम की दो फ्रेंड्स देखने के लिए मिलेगी, जो कि इंसिडेंटली किल कर देती हैं जैन के हस्बैंड को, और किस तरह से उसके बाद कहानी में टर्न और ट्विस्ट आते हैं और डार्क कॉमेडी का टच देखने के लिए मिलता है, जो शो को खास बनाता था। और इस शो की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप और स्ट्रीमिंग इसे मिल चुकी थी, और फाइनली इसका थर्ड सीजन 2021 में रिलीज होने वाला है, और जहाँ पर हमें डेड टू मी का एंड होते हुए दिखाई देगा, और जहाँ पर हमें डेड टू मी भी नेटफ्लिक्स से जाता हुआ दिखाई देगा। में शो आने वाला है वो नेटफ्लिक्स की फर्स्ट ओरिजिनल एनिमे सीरीज थी, जिसका हमें एंड इस साल में देखने के लिए मिल चुका है, और शो का नाम था कैसलवेनिया। कैसलवेनिया मेरा खुद की एक फेवरेट एनिमे सीरीज थी, और इसको देखने के बाद सीरियसली एक चीज़ में थोड़ी सी मुझे कॉमन लगती थी, अटैक ऑफ टाइटन्स के जो करेक्टर्स के ऊपर जिस तरह से बनाए गए थे उससे उनकी थोड़ी थोड़ी झलक मिलती हुई मुझे दिखाई देती थी। और दूसरी ओर इसका फोर्थ सीजन अभी हाल ही 2021 में रिलीज किया गया है, और इस तरह से हमें कैसलवेनिया का भी इस साल एंड होता हुआ दिखाई दिया गया है। और दूसरी ओर मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि कैसलवेनिया सीरियसली बहुत अच्छा नेटफ्लिक्स की एनिमे सीरीज थी, अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी तो वो इस शो को जाके देख सकता है, कैसलवेनिया को बिंज वॉच। आगे जो दो शोज आने वाले हैं वो शोज मेरे खुद के फेवरेट हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे चैनल पर ऑडियंस है उनमें से काफ़ी लोगों के जो शोज फेवरेट होंगे। और सेकंड नंबर पर जो शो होने वाला है उस शो का नाम है एटिपिकल। ये शो मेरा खुद का फेवरेट है, और जिसके आपको तो तीन सीजन देखने के लिए मिल चुके हैं। अगर हम थर्ड सीजन की बात करें तो थर्ड सीजन में हमें सैम एक कॉलेज में स्टार्ट करता हुआ दिखाई देता है न्यू, और जहाँ पर उसके कुछ नए फ्रेंड्स बनते हैं, और जहाँ पर अपनी रिलेशनशिप को अपनी गर्लफ्रेंड पेज के साथ बहुत अच्छा खासा चलाता हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसका ब्रदर भी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर जो फोर्थ सीजन 2020 में ही रिलीज हो जाना चाहिए था, वो थोड़ा डिले के कारण 2021 में हमें रिलीज होता हुआ दिखाई देता है। और जिस तरह से हमें एटिपिकल जो नेटफ्लिक्स का बहुत ही अच्छा शो है उसका हमें एंड होता हुआ दिखाई देता है। फाइनली नंबर वन पर जो शो आने वाला है वो ऑलमोस्ट सभी लोगों का फेवरेट शो है, और शो का नाम है मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट एक एमी अवार्ड विनिंग क्राइम ड्रामा थ्रिलर शो है, जिसके ऑलमोस्ट फर्स्ट ही पहले चार सीजन रिलीज किए जा चुके थे, और जिसका फर्स्ट सीजन 2021 में रिलीज किए जाने वाला है, जिसका मतलब हर सब कोई बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और जहाँ पर जिस तरह से फोर्थ सीजन एंड हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में हमें छोड़कर गया था। अब फाइनली 2021 में फिफ्थ सीजन रिलीज होने वाला है मनी हाइस्ट का, और इसके बाद हमें बहुत ही अच्छी सीरीज एमी अवार्ड विनिंग सीरीज मनी हाइस्ट का एंड होता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा लूप होल होने वाला है नेटफ्लिक्स पर, जो उसको कभी भरा नहीं जा सकता मेरे अकॉर्डिंग। कुछ ऐसे शो जो कि हमें 2021 में खत्म होते हुए दिखाई देंगे, ओवर होते हुए दिखाई देंगे। एक दो शोज होंगे जो मेरे अकॉर्डिंग 99% या 90% एक तरह से कंफर्म ही है कि कैंसिल होंगे। जैसे अगर आपने इनमें से कोई शो अभी तक नहीं देखा तो आप इन शोज को जाके देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये सारे बिंज वॉच शोज हैं, और जो शोज चले गए हैं अब उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते। अगर किसी ने नहीं देखा बस जाके देख सकते हो। अब मेरे ओर से तो बस ये शो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा इन्होंने हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।